सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे रेडमी नोट 10T 5G पोको M3 प्रो 5G के यूज़र हैं तो आपके लिए MIUI 14 एंड्रॉयड 13 इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार यहाँ पे दे देता हूँ कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे MIUI डायलर, MIUI कॉन्टेक्ट्स भी हमें अपडेट के बाद देखने के लिए मिल चुका है। तो MIUI डायलर हमें यहाँ पे कम्प्लीटली देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन फ्यूचर में हमें वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे MIUI 14.0.2.0 इंडिया स्टेबल अपडेट, एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड, रेडमी नोट 10T 5G, पोको M3 प्रो 5G, MI पायलट रिलीज़ यहाँ पे हो चुका है। और इसी के साथ अपडेट का साइज़ हमें यहाँ पे 3.4 GB MIUI 13 से देखने के लिए मिल जाता है। और इस वाले अपडेट में आपको अप्रैल के मंथ का सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ भी हमें देखने के लिए मिल जाती है कि यहाँ पे MIUI 14 स्टेबल अपडेट इंडिया रीजन के लिए भी फाइनली पोको M3 प्रो और रेडमी नोट 10T 5G में रिलीज़ हो चुका है। और इसी के साथ इस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मैं पोस्ट कर चुका हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहां पे इस अपडेट की रिकवरी रोम अवेलेबल हो चुकी है, OTA रोम अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये एक मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड है और मेजर एंड्रॉयड के अपडेट में OTA रोम रिकवरी रोम दोनों सेम ही होती है। तो यहाँ पर रिकवरी रोम अवेलेबल हो चुकी है, तो अब आप इस अपडेट को ईजिली अपडेट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर रीनेम टिक 2.0 का यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर बेटा टेस्टर्स का अपडेट इंस्टॉल करना चाहते हैं MIUI 13 से, तो रीनेम टिक 2.0 पर वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, वीडियो करने के इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के चेकआउट कर ले ना। और इसी के साथ यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपने Redmi Note 10T 5G में अपडेट कर लिया है तो आपको आफ्टर अपडेटेड गूगल मैसेजिंग के साथ साथ MI मैसेजिंग का भी ऑफिशियली सपोर्ट इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। और इसी के साथ आपको कॉन्टैक्ट स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाता है। तो कॉन्टैक्ट स्टोरेज आपका यहाँ पे शो करता है कि आपको फ्यूचर में MI डायलर भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि 99% यहाँ पे कंफर्म है, क्योंकि हमें पहले MI कॉन्टैक्ट स्टोरेज सेटिंग्स ऐप्स और मैनेज एप्लीकेशंस में देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता था। तो अब हमारी होप है कि हमें MIUI डायलर Redmi Note 10T 5G में फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ साथ हमारे जो भी Xiaomi डिवाइसेस हैं उनको फ्यूचर में अगर इंडिया स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलेंगे MIUI 14 के Android 13 पर बेस्ड, तो उनमें हमें MI मैसेजिंग और MI कॉन्टैक्ट स्टोरेज को भी ज़रूर से एडअप किया जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको Redmi Note 10T 5G, Poco M3 Pro 5G में MIUI 14 इंडिया स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिला है या फिर नहीं मिला है। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें मेरा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।